तो दोस्तों आज हम राजस्थान सिटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज है जो किसके द्वारा की गई थी। तो ये खोज की गई थी अमलानंद घोष द्वारा। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपने कितने प्रश्न जगह है वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो राजस्थान में जो स्थित है वह है कालीबंगा। अगला सवाल है कि सेल चित्र और पंचमार्क मुद्राओं के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि सेल चित्र और पंचमार्क मुद्राओं के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं। तो इसके जो प्रमाण मिले हैं ये मिले हैं बेराट सभ्यता से। अगला सवाल है कि राजस्थान की बालाथल सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो खोज की गई थी ये की गई थी V.N. मिश्रा द्वारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहट संस्कृति के अवशेष मिले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि आहट सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वह किस जिले से मिले हैं। तो ये मिले हैं उदयपुर ज़िले से। अगला सवाल है कि किस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि किस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है यह जाना जाता है नगर सभ्यता। अगला सवाल है कि भव्य प्रकार के बर्तन किस सभ्यता में पाए गए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि भव्य प्रकार के बर्तन जो हैं वह किस सभ्यता से पाए गए थे। तो आपको याद रखना है ये पाए गए थे ओजियाना सभ्यता से। अगला सवाल है कि किस सभ्यता के पास भारत के सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्राचीन पशुपालन के प्रमाण जो है वह है बागौर से मिले हैं, ठीक है, बागौर से, बागौर के पास जो बागौर सभ्यता के पास है जो भारत के सबसे प्राचीन पशु के प्रमाण है जो मिले हैं। अगला सवाल है कि किस सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में रोमन एम्पोरा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है, अपने माइंड में सेट कर लेना है क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में रोमन एम्पोरा था। तो आपको याद रखना है ये था भीनमाल सभ्यता में। अगला सवाल है कि नौ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो नौ जो सभ्यता हैं वह स्थित हैं रूपारेल नदी के किनारे। अगला सवाल है कि राजस्थान की किस सभ्यता को मृतकों के टीले के रूप में भी जाना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता को मृतकों के टीले के रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखना है वह सभ्यता है आर्ट सभ्यता। अगला सवाल है कि किस स्थल से किलेबंदी के अवशेष बरामद किए गए हैं। तो आपको याद रखना है ये बरामद किए गए हैं कहाँ से, तो आपको याद रखना है ये किए गए बालाथल सभ्यता से। अगला सवाल है कि चंद्रावती सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चंद्रावती जो सभ्यता है ये है सिरोही ज़िले में, ठीक है, सिरोही ज़िले में जो है वह चंद्रावती सभ्यता स्थित हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो वह संस्कृति है आहार संस्कृति जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि गिलोन सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि गिलोन सभ्यता के अवशेष है जो किस युग के हैं। तो आपको याद रखना है ये है ताम्रप्रस्तर युग के। अगला सवाल है कि ताम्रयुगीन स्थल जालोर कहाँ पर स्थित हैं, तो ये स्थित हैं उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में क्या स्थित है, ताम्रयुगीन स्थल जालोर है जो स्थित हैं, कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में स्थित हैं। अगला सवाल है कि आहट सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आहट जो सभ्यता है वह जानी जाती है आगाटपुर के नाम से, ठीक है, आगाटपुर के नाम से जानी जाती है, कौन सी सभ्यता,
तो आहार सभ्यता जानी जाती है। अगला सवाल है कि गणेश्वर सभ्यता थी मोस्ट मणिकृष्ण, और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि गणेश्वर सभ्यता थी तो किस प्रकार की थी, तो ये सभ्यता ताम्रयुगीन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं मोस्ट मणिकृष्ण, तो ये प्राप्त हुए हैं बेराट स्थल से। ठीक है, बेराट स्थल से क्या प्राप्त हुआ है, मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो नहर के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं नगरी से। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं मोस्ट मणिकृष्ण, और ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण है जो उपलब्ध हुए, तो आपको याद रखना है वह स्थल है भानगढ़। अगला सवाल है कि पुरातात्विक स्थल बागोर अवस्थित हैं, तो बागोर जो अवस्थित हैं ये अवस्थित है कोठारी नदी पर। अगला सवाल है कि बीजक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित हैं मोस्ट मणिकृष्ण, तो ये जो पहाड़ी है ये संबंधित हैं बेराट सभ्यता से। अगला सवाल है कि राम शेकास्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण है जो प्राप्त हुए हैं, तो ये जो दो उपकरण हैं ये प्राप्त हुए हैं आहार सभ्यता से। अगला सवाल है कि राजस्थान में पुरातात्विक संरक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है मोस्ट मणिकृष्ण, और ये प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है कि राजस्थान में पुरातात्विक संरक्षण कार्य सर्वप्रथम आरंभ करने का या प्रारंभ करने का श्रेय जो किसे दिया जाता है, तो इसका जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है ACL कार्लाइल को दिया जाता है। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।